एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं, वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर अत्याचार है। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। ऐसा मत कहना कि प्रधानमंत्री मोदी कोटा आए थे, ये कहना अपने मोदी जी कोटा आए थे। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरती रहे, राजस्थान की जनता को वो भूल गए। कांग्रेस ने चंबल रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं वो भी आपसे छिपा नहीं है। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवंबर को वोटिंग वाले दिन एक घंटा खुलवाने का दबाव डाल रही थी। राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार ना सिर्फ इस हादसे की जांच करवाएगी बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी। यहां राजस्थान में रामनवमी के हनुमान जयंती के जुलूस रोके जाते हैं, पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस के शासन में आतंकी संगठन पीएफआई की रैली पूरे शान से पुलिस बंदोबस्त के साथ कराई जाती है। ऐसी कांग्रेस सरकार जितने दिन यहां रहेगी उतना ही राजस्थान का नुकसान होगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है, वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर अत्याचार है। यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की महिलाएं बलात्कार के, रेप के झूठे आरोप लगाती है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, क्या ये कभी संभव है? क्या कोई बहन इस प्रकार की शिकायत करने के लिए खुले में जाए, ये संभव है क्या? मैं जरा भाइयों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है क्या? ये देश की माताओं बहनों पर राजस्थान सरकार का गंभीर आरोप है। और मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और इसलिए वो तो ऐसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं जैसे बहनों बेटियों पर अत्याचार करना अत्याचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की मंत्री की ये हरकत, मैं जरा राजस्थान के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? क्या कोई नारी का अपमान करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? कोई नारी की बेइज्जती करे उसे कोई मर्द कहता है क्या?
जो नारी के सम्मान को लूटे उसे कोई मर्द कहता है क्या? क्या कभी कोई मर्द ऐसा पाप करता है क्या? क्या कभी कोई मर्द मन में भी ऐसा सोच सकता है क्या? गहलोत जी, ये आपके दरबारी लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? राजस्थान के तो मर्द वो है जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। मेरे परिवारजनों, कोटा शिक्षा की भी नगरी है, युवाओं के लिए सपनों की भी नगरी है। देश भर से युवा यहां पढ़ने आते हैं। कोटा से बेहतर कौन जानता है कि सपनों का मतलब क्या होता है? लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया, इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की युवा शक्ति है, इसलिए भाजपा सरकार युवाओं को नए अवसर दे रही है, उनके लिए नए अवसर बना रही है। राजस्थान को केंद्र की भाजपा सरकार ने 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इतने मेडिकल कॉलेज बनना यानी मेडिकल की उतनी ही ज्यादा सीटें बनना, युवाओं को ज्यादा मौका मिलना। कोटा में ट्रिपल आईटी के कैंपस का लोकार्पण भी हो चुका है। साथियों, युवाओं की आकांक्षा, उनकी आवश्यकता भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश में हमने एयरपोर्ट की संख्या भी दोगुनी कर दी है और आप कोटा वाले भी, मैं यहां एयरपोर्ट का काम करना चाहता था, हमारे बिरला जी मुझे लगातार कहते थे, लेकिन राजस्थान की सरकार आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। और अब 3 तारीख को सरकार बदलेगी, आप देख लेना, कोटा का एयरपोर्ट का सपना भी पूरा होगा। भाजपा सरकार, मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी, इसी गारंटी पर आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। हमारे इन सभी साथियों को भारी बहुमत से जिताना है। जिताओगे, घर घर जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना? इतनी बड़ी सभा हो गई, मैं देख रहा हूं वहां दूर से लेकर के यहां दरवाजे तक
और वहां पीछे आखिरी लाइन तक लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी सभा आपने कर दी, देखिए घर घर जाना और हरेक को कहना कि अपने मोदी जी कोटा आए थे, अपने मोदी जी कोटा आए थे। ऐसा मत कहना कि प्रधानमंत्री मोदी कोटा आए थे, ये कहना अपने मोदी जी कोटा आए थे। कहेंगे कहेंगे और फिर उनको कहना कि अपने मोदी जी कोटा आए थे, उन्होंने आपको राम राम कहा है।